बीजेपी का कांग्रेस मुख्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन से पूर्व बीजेपी जिला जयपुर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चांदपुर सर्कल पर एकत्रित हुए। यहां पर नारेबाजी करते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर प्रस्थान किए जाने के दौरान पुलिस द्वारा उन्हें रोक लिया गया। नव भारत समाचार जयपुर राजस्थान से चेतन शर्मा के साथ आशीष नायक की रिपोर्ट। प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बारे में कल जो मोदी जी के लिए गलत बोला गया संसद में, रंधावा जी ने जो गलत बयान दिया उसको लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन हो रहा है, आपकी कितनी संख्या में मतलब लोग आने की? पूरे जयपुर शहर से कार्यकर्ता आ रहे हैं और कार्यकर्ता ही नहीं आम जनता में भी रोष है, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं है तो वो मोदी जी को टारगेट करने लगे हैं। लेकिन मोदी जी को टारगेट करने से मैं विपक्ष को ये बताना चाहूँगी कि उससे उनका कोई काम जो सफल होने वाला नहीं है। तो जो मोदी जी के खिलाफ वो लगातार ऊटपटांग ये बयान दे रहे हैं इसको जनता नहीं सहेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कतई नहीं सहेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं हैं और मोदी जी के इस अपमान को सहने वाले नहीं हैं। आपका नाम बता दीजिए। रेखा राठौर, जिला मंत्री भाजपा और पार्षद नगर निगम हेरिटेज। जो प्रदर्शन ये हो रहा है, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किस चीज को लेकर कर रहे हैं और क्या इसके पीछे का मोटिव है? जिस प्रकार से इनके कल प्रभारी ने कांग्रेस के आंदोलन में जो इनका राजभवन का घेराव था उसमें ना जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जब तक मोदी को नहीं मारोगे देश नहीं बचेगा, अगर मोदी को मार देंगे तो देश सुरक्षित हो जाएगा, और पुलवामा आक्रमण पर उन्होंने कहा यह सोचा षड्यंत्र समझा षड्यंत्र था, 40 सैनिकों के बलिदान को वो व्यर्थ मानते हैं। इतनी घृणित सोच एक इनका नेता राष्ट्रीय स्तर का जो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका है, वो लंदन में भारत को बदनाम कर रहा है। मोदी से लड़ाई लड़ो, राजनीतिक लड़ाई लड़ो। अभी 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आपने लड़ाई लड़ी, आप 8 पाए। भारतीय जनता पार्टी 15 साल पहले वहाँ कोई वजूद नहीं था, हम तीनों स्टेट में अपने सहयोगियों के साथ सरकार में, तो निश्चित रूप से लड़ाई लड़नी चाहिए। मोदी जी ने उसका उपयोग भी किया, जब इन्होंने कहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो मोदी जी ने 3 स्टेट के भाषणों में कहा कि हिंदुस्तान की जनता कहती है मोदी तेरा कमल खिलेगा। इन्होंने स्टेटमेंट दिया मोदी मर जा मोदी, उन्होंने कहा हिंदुस्तान की जनता कहती है मत जा मोदी मत जा मोदी। तो जिस प्रकार से ये निम्न स्तर की राजनीति पे, घटिया स्तर की राजनीति पे सड़क पे उतरे हैं, तो आज हम प्रोटेस्ट स्वरूप एक सीनियर प्रभारी के नाते उनको इस तरह के बयान पर खेद व्यक्त करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई लड़ें। वैचारिक लड़ाई के लिए जनता को कन्विंस करें, हमारी भारतीय जनता पार्टी हम जनता को कन्विंस करेगी। और जिस प्रकार से बार बार सेना को बीच में लाकर सड़क का गुंडा वहाँ पे कौवा मार के आए, क्या पुलवामा संशय था, सर्जिकल स्ट्राइक फर्जिकल स्ट्राइक, इस तरह के आरोप लगाकर आप सेना का मनोबल तोड़ने का जो काम कर रहे हैं ये शोभा नहीं देता है। भारत की सेना जिस पर हिंदुस्तान की प्रत्येक जनता को गर्व है ऐसा नहीं कहना चाहिए, निश्चित रूप से उनको पुनर्विचार करना चाहिए इस पर। सर, ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और इसकी आगे की रणनीति? हम PCC तक जाना चाहते हैं, जहाँ तक प्रशासन हमको अनुमति देगा हम वहाँ तक जाएंगे। और आज हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जयपुर की जनता को हिताहित कराना चाहते हैं कि हर छोटे छोटे मामले पे भारतीय जनता पार्टी का जयपुर शहर का संगठन मजबूत संगठन है, और इस प्रकार के ओछे बयानों को भारतीय जनता पार्टी और जयपुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पर सर एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि कितनी भीड़ और यहाँ पर जुटेगी साथ? टोकन स्वरूप तक कल रात को शाम को स्टेटमेंट दिया है, कल रात को कार्यक्रम तय किया है पूरे जिला लेवल पे, शायद मेरे हिसाब से राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में, इस राजस्थान में तो कम से कम चल ही रहे होंगे रंधावा जी के बयान के कारण। आज प्रोटेस्ट स्वरूप टोकन विरोध प्रदर्शन है, उस विरोध प्रदर्शन में आए हैं।